क्योंकि हेलो फूडीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और देखिए मेरा नहाना धोना सब हो चुका है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हम जाएंगे सिलचर। अभी हम पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद बच्चों को मैं लेके आ जाऊंगी मम्मी के घर, वहाँ पे रख के फिर मैं और मेरी बहन जाएंगे सिलचर। दांत में बहुत दर्द है, जाएंगे डॉक्टर के पास। तो चलिए आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। को जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होना तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते रहो। गाड़ी से उतरने के बाद ही हम भूखड़ को लग गया भूख, और हम लोगों ने सोचा कि चलो वैसे भी खाना तो नहीं खाया था ना घर से, तो बिना कुछ खाए दांत मतलब फेंकेंगे भी नहीं और कुछ करेंगे भी नहीं डॉक्टर, तो मैंने सोचा इसलिए कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों ने लिया है बैठ के पुलाव एक एक प्लेट। अभी हम पुलाव खाएंगे, पुलाव खाने के बाद डॉक्टर के चैम्बर में चलेंगे और उसके बाद तो जो भी होगा आप लोग देख ही पाएंगे। तो चलिए चलते हैं पुलाव खाने के बाद डॉक्टर के पास। और एक और बात आप लोग सोच सकते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ पर है और मैं कहाँ पे देख रही थी, पता नहीं मैं ये पुलाव खाते खाते कौन सी ख्याली दुनिया में खो गई थी। मतलब मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने मोबाइल भी लगाया है और मैं बस खाई जा रही थी किसी और ही धुंध में। तो हम लोगों का पुलाव खाना हो चुका है, अभी मेरी बहन दे रही है पैसा, वैसे पर्स मेरा ही है, वो बस दे रही है आप लोगों को दिखा रही हूँ, वैसा वो नहीं देने वाली है। डॉक्टर के यहाँ से नाम वाम लिखवा कर थोड़ा सा टाइम लगेगा बोला, एटीएम नहीं गए थे हम लोग, अभी चलते हैं एटीएम जाके थोड़ा सा पैसा निकलते हैं और उसके बाद वापस से जाएंगे डॉक्टर के पास, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ये हम लोग एटीएम से आ चुके हैं, उसके बाद अभी पता ही वॉशरूम लगा, तो अभी हम लोग जाएंगे मेट्रो पर, वहाँ से जाने के बाद फिर आके जाएंगे डॉक्टर के पास। क्या स्कर्ट में आ जाएगा ये 450 में, खाई में खाली शॉर्ट हाथ खुजे इस लंबे तलो तो लंबा हाथ ना। हम लोग निकले हैं विशाल से, विशाल का शॉपिंग खत्म करने के बाद अभी जाएंगे हम वापस से डॉक्टर के पास। आज किसी के भी मुंह पे हंसी नहीं है, पता नहीं क्यों यार। दोनों में से चले जाते हैं डॉक्टर के पास, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे जाके वीडियो बनाएंगे, वरना तो वापस से घर पे जाके आप लोगों से मिलते हैं। उसका ले लिया काफ़ी देर, 3:30 बज रहा है शायद, हम लोगों का नंबर आ चुका होगा, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, इसके मैं पैदल नहीं गई। सो फाइनली हम लोग आके बैठे हैं वापस से डॉक्टर के पास। हम लोगों का जो नंबर है वो चला गया है, अभी शायद से 10-15 मिनट बैठना पड़ेगा और उसके बाद हम फिर से जाएंगे अंदर, फिर से नहीं फर्स्ट टाइम ही जाएंगे, थोड़ा सा देर हो गया ना अभी। ये देखिए इसके चीख निकल रहे हैं, वैसा अभी कोई है नहीं, बस 2-3 जन ही हैं जिस वजह से मैं अभी वीडियो कर पा रही हूँ, पहले नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, तो उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं किया था। तो अभी बैठते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद अंदर चले गए, ठीक है। Thank you.
और अभी जो आप देख रहे हैं ना, मैं हाथ से कुछ बता रही हूँ उसको, मेरी बहन को मैं ये बता रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके वीडियो बनाना, मुझे इस मतलब डॉक्टर के बारे में कुछ बताना है और इस क्या बोलो क्लिनिक के बारे में कुछ बताना है। इनका सर्विस और इनका जो बिहेवियर है वो इतना अच्छा है, सर का बिहेवियर तो इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि मुझे वीडियो करने का भी परमिशन दिया है सर ने। और आप लोग अगर चाहें ना, जो जो यहाँ पे लोकल है वो सभी आ सकते हैं, सिलचर के जो लोकल है आपको बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट भी मिलेगी। मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पर ही आती हूँ, और उनका सर्विस भी बहुत अच्छा है, बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, और मतलब सर का मेडिसिन जो है ना वो भी बहुत मतलब अच्छा होता है, पावरफुल होता है, बहुत ही जल्दी आप ठीक भी हो जाओगे। वैसे तो इस क्लिनिक को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नाम बता देती हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। डेंटल वर्ल्ड है क्लिनिक का नाम, और मैं नंबर वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप में से किसी को भी अगर दांत में प्रॉब्लम है ना, जो सिलचर के है या फिर क्या बोलूँ करीमगंज हाइलाकंदी जहाँ से भी है, आप लोग अगर सिलचर में आके अच्छा डॉक्टर दिखाना चाहते हैं तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि प्लीज़ यार डेंटल वर्ल्ड में ज़रूर आइएगा और सर के हाथ से एक बार ट्रीटमेंट आप तो करवा के देखिए। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर में अगर कभी भी कुछ दांत की प्रॉब्लम होगी ना तो आप सर के पास ही आओगे। तो यही कहना था मेरा इस बारे में। और देखिए और अंदर का एनवायरनमेंट भी ना बहुत क्या बोलूँ मैं, बहुत कूल है, वो सेटल अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी बहन तो बैठे बैठे बोर हो रही, तो ये देखिए उसने बहुत ही प्यारा सा फ्लावर वास रखा हुआ था यहाँ पे, ये उठाया है, देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब मैं एडिट कर रही थी वीडियो बाद में तब मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर जाके मैंने नोटिस नहीं किया सच बात में, क्योंकि डॉक्टर तो मेरे मतलब ट्रीटमेंट कर रहे थे तो मुझे पता नहीं चला, देखने का टाइम भी नहीं मिला। ये देखिए यहाँ पर भी एंटिक एक क्या बोलूँ उसको फोटो फ्रेम है जो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं कहाँ का है ये फोटो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और ये है उनका लोगो डेंटल वर्ल्ड का W, और ये उनका इक्विपमेंट्स है जो जो चाहिए, ये उनका पूरा क्या बोलूँ उसको अंदर का कमरा है जहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, 3-4 चेयर है यहाँ पे जहाँ पे बिठा के दांत का ट्रीटमेंट होता है। और साइड में ना ये देखिए बहुत ही प्यारा सा एक क्या बोलते हैं उसको, एक्वेरियम बोलते हैं इसको। और अभी तो मेरा डॉक्टर वॉक्टर दिखाना सब खत्म हो चुका है, अभी सर मुझे बहुत ही अच्छे से प्रेस्क्रिप्शन की जो दवाइयां है वो समझा के दे रहे थे कि कब क्या खाना है कब नहीं खाना है, अगर दांत फेंकने आऊँ नेक्स्ट टाइम तो क्या प्रिपरेशंस करके आने हैं और कौन सी दवाई कब खानी है, सब कुछ मुझे सर बहुत ही अच्छे से समझा के दे रहे हैं। और उसके बाद हम विजिट दे के चले जाएँगे घर। और ये रहा बाहर का काउंटर जहाँ पर मैंने जो फिलअप करवाया है उसका पैसा वैसा दे के, और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ घर चलिए। मेरा ये जो दांत का कांड है वो हो गया है, मेरा दांत अभी ठीक ठाक हो गया है, अभी मैं खा सकती हूँ ठीक है, वरना इतने दिन से कुछ भी नहीं खा पाती हूँ यार, कुछ भी खाने से दांत दर्द शुरू हो जाता है, फिर रोना पड़ता है, मतलब इसी चक्कर में मैंने तो खाना ही छोड़ दिया था, सूख भी गई हूँ इसी चक्कर में। तो अभी ना और काम नहीं है, अभी चले जाएंगे घर और कुछ दिन बाद आके मैं दूसरा वाला एक दांत फिक्स मतलब करूँगी ठीक है, लगवाऊँगी, क्योंकि सारा दांत अगर गिर गया तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, इसी वजह से मैं एक दांत लगवाऊंगी ठीक है। अभी घर चले जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं ठीक है। फिलहाल के लिए अभी थोड़ी देर कुछ भी खा नहीं सकती, अभी गाड़ी पे चलते हैं और घर चले जाते हैं, बीच रास्ते पे कुछ ले लेंगे खाने के लिए, वहाँ पर खाएँगे, 1.5 घंटा बाद खा सकते, अभी नहीं खा सकती, इसलिए घर चलते हैं अभी। तो अभी ये खाएगी कुछ का मैं तो नहीं खा सकती, वरना दांत अभी जो पैसा देख के वो एकदम बर्बाद हो जाएगा, ये खाएगी मुझे दिखा दिखा सब पेट खराब हो जाएगा घर में जाके, नहीं खराब सब पेट खराब हो जाएगा घर में, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे हाय लगेगी, मुझे छोड़ के खा रही है, मैंने मना किया मत खा मत खा, लेकिन फिर भी बोल रही है खाएगी खाएगी, खराब करेगा जरा पेट देखना, आज खाने का क्योंकि मैं नहीं खा सकती ना, अभी खाऊंगी तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नहीं खाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद, पैकिंग करके लूँगी तो अभी ख़राब हो जाएगा, मैं वो वाला पैक करवा के लूँगी, फिर 1 घंटा बाद गाड़ी में बैठ बैठ के खाएंगे, तब मैं इसको नहीं दूँगी, अकेले खाऊंगी। खा खा राक्षस, नेक्स्ट डे जब आऊँगी ना तब तेरा दांत भी मैं ऐसे फिलअप करवा के लेके जाऊँगी, तू भी नहीं खा सकती, कांड थे गयो कांड थे गए मारो हो गया ना। ये रहा हम लोगों का फुचका, सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस, ये देखिए
देखिए बड़ा वाला करके मुंह में डाला। देखा इसका मुंह का अंदर कितना गंदा है, गंदगी मुंह के अंदर गंदगी भरी पड़ी है। हम हो गए अभी पसीने के मारे पूरा लथपथ, और अभी ये फ्रूटी पी पी के हम लोग जा रहे हैं घर। इतनी गर्मी क्या बताऊँ यार, मतलब सिर फट रहा है दर्द के मारे, इतनी गर्मी है। और दांत का दर्द तो ऊपर से है, अभी भी कम नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा दर्द कर रहा है। हम तरफ में मेडिसिन खाने के बाद कम हो जाएगा, तो अभी घर चलते हैं और उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है।